हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटेटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, काफ़ी समय से लगभग मतलब काफ़ी महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि पता है CGL का पेपर चल रहा था और मैं वर्किंग हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वर्क और वीडियो मैनेज कर पाऊँ, इसलिए मैं कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट अभी मैं कोशिश करूँगा बैक करने की और अपलोड करने की। तो आशा करता हूँ CGL 2022 की जो मेंस हुई थी, कब हुई थी ये, 2, 3, 6 और 7, बाकी 4 तारीख को आपको AAU एंड JSU पेपर हुई थी ना, तो आशा करता हूँ आप सभी जो मेंस देने वाले थे उन्होंने मेंस दे दिया होगा और अभी तक आंसर की सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा भी मेंस था, चलिए डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ का क्या रहने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे पूरे कट ऑफ की वीडियो भर गई है, तो मैं सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूं जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है उसके रेंज में मैं बताना चाहूँगा जैसा मैंने पेपर देके देखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट बात देख लेंगे कि देखिए मेरा पेपर कब था। मेरा पेपर 2 मार्च को था, मतलब मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। SSC ने पैटर्न में चेंज किया, पैटर्न में चेंज करने के बाद भी डायरेक्ट पहला दिन ही पेपर मैंने दे दिया। और प्री भी मेरा 1 दिसंबर को ही हुआ था, मतलब प्री भी मेरा फर्स्ट डे ही हुआ था। ठीक है, और ये मेरा तीसरा मेंस था। मैंने 2020 का मेंस दिया, 21 का मेंस दिया है, 22 का मेंस मैंने दिया, तो काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उसी बेसिस से बताऊंगा कट ऑफ क्या रहने वाला। देखिए, एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन पूरे सही नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे पैटर्न में चेंजेस आ चुके हैं। पहले केवल मैथ इंग्लिश हुआ करता था, देन डिस्क्रिप्टिव, और अभी क्या है कि सबको कंपाइल कर दिया गया है। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं, किस में कितना डिफिकल्टी थी। तो आपको पता ही है Section 1 था, Section 1 में मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग थी, है ना। टाइम आपके कितनी थी इसकी, तो टाइम आपको होगी 60 मिनट थी, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 60 थे। नो डाउट मैथ इस बार इजी पूछी गई है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग जो है ये थोड़ी मॉडरेट साइड में ही रहा है। इजी भी थी कुछ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा मैं मॉडरेट की तरफ इसको रखना चाहूँगा। सेकेंड आपको पता है इंग्लिश था प्लस GS था, तो इंग्लिश का भी अगर लेवल आप देखोगे 2018-19-20 की पेपर उठा के आप देखोगे मेंस की, तो उसको करने में जैसे कि वो 2 घंटे पेपर हुआ करता था, तो हमें उस पेपर को करने में 130 लगता था, मतलब 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट मैक्सिमम लगता था, बाकी 20-25-30 मिनट बच जाता था। तो उस हिसाब से इस इंग्लिश को मैं देखूं, इस ओवर 2022 के जो CGL की इंग्लिश हुई है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। जो PKORS मैंने पर्सनली फील किया, जो PKORS का जो क्वेश्चन थे ना, वो मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग थे। एंड जो पैसेज थे, पैसेज में जो 2 क्वेश्चन आ रहे थे आपकी थीम वाली क्वेश्चन और एक कुछ मीनिंग वाला, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ये जेन्युइन बात है जो मुझे फील हुआ। ओवरऑल क्वेश्चन आप बोलोगे तो ठीक ठाक ही था, लेकिन GS, अगर GS की बात करो, GS मुझे भाई टफ ही लगा है, क्योंकि GS में अपना हाथ तंग रहता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग पे ही कमांड होता है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग पर। ये थोड़ा टफर साइड हमको लगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी भी थे, और प्लस ये था कि उसके साथ में एक ऑप्शंस काफ़ी 1, 2, 2, 3, ऑल ऑफ दिस, नॉट दिस, इस टाइप का ऑप्शंस था, तो मैंने काफ़ी मतलब हमको दिक्कत कर रहा था। ठीक है, सेकेंड अगर बात करोगे मतलब थर्ड सेक्शन जो मॉड्यूल 2 की थर्ड Section 1 थी आपकी, उसमें क्या थी, कंप्यूटर। अब बताओ कंप्यूटर, जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे जनरली वो कंप्यूटर को इग्नोर ही करते चलते, उतना नहीं पढ़ते, और जो नेशनली पढ़ाई कर रहे होते, जो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर बीटेक किए, उनका थोड़ा नॉलेज होता है, बट उनका भी ये कहना है, देखो मेरा MSc फिजिक्स है, मैंने कंप्यूटर शुरू से पढ़ी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के मुझे लगे, जो क्वेश्चन को मतलब डाउट में हूँ सही है या नहीं, तो उसको तुक्का ना मारते हुए इग्नोर करते हुए चला गया, बट कुछ क्वेश्चन मैंने भी तुक्के मार दिए हैं, क्योंकि मैं सब सेफ जोन में जा रहा था, मुझे लगा तो ठीक कुछ रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा। लेकिन और मैं डिटेल्स में बताऊँ, टाइपिंग, देखो टाइपिंग में क्या था कि मेरा 1990 ही टाइप हो पाया, पता नहीं मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, क्योंकि मेरा पैसेज 12 मिनट में कंप्लीट हो गया था, अराउंड 12:30 में कंप्लीट हुआ था, 2:30 मेरे पास टाइम बचा हुआ था, मैंने पैसेज चेक किया, ऑलमोस्ट 70% पैसेज मैंने चेक कर लिया था, 30% पैसेज मैं चेक नहीं कर पाया, मे बी उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये 10 लेटर्स कहाँ गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूरा वेरीफाई किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया 10 लेटर्स चले कहाँ गए। एक्चुअल में 2000 लेटर्स थे ना, मेरा 190 ही हो पाया था। आप लोग बताना कि आपके कितने हुए थे। मेरा 2 मार्च को पेपर था, मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर और मैं बताऊँ कि हाँ, आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए हैं आउट ऑफ 130, है ना, और प्लस कंप्यूटर में आपने कितने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 20, ये आपने बताना है कमेंट करके।
अब देखो भाई, कट ऑफ की बात करें तो मैं जब से पेपर देख के आया हूँ, काफी सारे वीडियोज भी मैंने देखा, लेकिन काफी लोग जो परिचय में है, जो ऑलरेडी एसएससी में है, जो वर्किंग है, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट कितने करके, इस पर कट ऑफ का पता ना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। अब अटेम्प्ट आप लाइक 120 करके आ गए हो, है ना, तो ये सही हो जाएगी, इसके क्या चांसेस है? आप कैसे बोल सकते हो सही ही होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो प्री का या कभी भी किसी भी चीज का आंसर किया आता है तो उसमें आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा डाउन ही चल जाता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हमें इतना आएगा, बट वो थोड़ा ज्यादा। मान लीजिए हम सोच रहे कि मेरी 10 गलती होगी, ये बढ़ के 15 भी हो जाती है ना, तो ये सब। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन अगर गलती हो गई ना, आपके 4 नंबर आपके चली जा रही है, तो ये मैटर बहुत स्कोर को गिराने वाला है। ओवरऑल देखे तो मुझे लगता है कि कट ऑफ 250 के आसपास ही रहना चाहिए। मैं उतना एक्यूरेट तो नहीं गेस कर पा रहा हूँ, बट 250 टू 260 में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पोस्ट तो इंसान को मिल ही जाएगा, और वो जॉबलेस नहीं रहेगा, कोई जॉब उसे मिल जाएगा। देखिए कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं उतना एनालिसिस नहीं हूँ इसका, मैं उतना एनालिसिस नहीं करता हूँ। चलो ठीक है, जो जा रही है, मुझे जो लग रहा है बात करने के बाद। और मैंने सेल्फ पेपर दिया, मैंने पहला दिन ही पेपर दिया था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स के 7 तारीख को पेपर है, 6 तारीख को उन्होंने पेपर दिया, तो उस हिसाब से हमको लग रहा है। लेकिन लोग देखो कह रहे हैं, भर भर के कह रहे हैं कि 300 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, 4600 नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है। मे बी देखो आंसर के आने के बाद ही कुछ आइडिया मिल पाएगा, बट मेरे हिसाब से देखो लग रहा है कि अगर इतने स्कोर आपके हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो, क्योंकि मैटर ये भी करता है ना कि कंप्यूटर साइंस जो थी उसमें आप लिस्ट नंबर 18 ले भी आओगे तो आप कितने पोस्ट के एलिजिबल रहोगे? आप अराउंड 6.5 के पोस्ट के एलिजिबल रहोगे, प्लस जो बाकी के 30.5 वो जो पोस्ट है के, ये तो आपकी सीपीटी पोस्ट है ना, क्योंकि पीए ऐसे तो सीपीटी में आ गई है, तो ये सब मैटर भी देखने वाली है, तो सबको देखते हो। प्लस टाइपिंग है, बहुत जन देखो बैंकिंग से इसमें स्विच कर गया थे, कभी काफी रेलवे बहुत अलग अलग एग्जाम से एसएससी में इस बार आ गया, डी टू हायर नंबर ऑफ वैकेंसी, तो ये सब मैटर दो देखते हुए हमें नहीं लग रहा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाना चाहिए। जब भी पेपर चेंज होता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम ही जाता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जा सकती है। मुझे यही नहीं लग रहा है ना, मैक्स टू 270 है तो आप बहुत ही सेफ जोन में अपने आप को मानना चाहिए कि आपको एक जॉब तो मिल ही जाना है, और बाकी बातें कट ऑफ आने के बाद ही करेंगे। बाकी और कुछ मुझे लगता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते तो नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, थैंक यू।